नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लर्निंग कैपिटल की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम नंबर सिस्टम की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं अभी, जिसमें हमने अभी तक 3 पार्ट कर लिया। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4। चौथे पार्ट में दोस्तों आज हम रिमाइंडर थ्योरम का जो बचा हुआ पार्ट था उसको सॉल्व करेंगे, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, साथ में रिमाइंडर थ्योरम से कुछ रूल्स देखेंगे जो डायरेक्ट रूल्स फॉर्मूले टाइप के हैं, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा एक ही स्टेप में। चलिए देखते हैं आज का चौथा पार्ट। ठीक है, एक नोट से मैं शुरू कर रहा हूँ कि जैसे लिखा है 10 बाई 4 है, इसका उसने पूछा हमसे रिमाइंडर, तो 4 2 8, यहाँ से रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। पर अगर किसी ने ऐसा कर दिया कि इसको पहले 2 से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से क्या हो गया, 5 बाई 2। अगर यहाँ से देखोगे तो रिमाइंडर आया 1। अब तरीका तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों से आंसर अलग अलग है, तो ये 2 आंसर सही है। इस 1 में क्या कमी है, अभी इसका में हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा। क्यों 2 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 2। इसको भी 2 से कैंसिल किया, इसको भी 2 से कैंसिल किया, तो इनका कॉमन फैक्टर जो 2 है उससे लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी रिमाइंडर 2 हो गया। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है जब भी हम किसी टर्म से कैंसिल करेंगे। चलिए देखते हैं इसके अब एप्लीकेशन हम रिमाइंडर थ्योरम का। एप्लीकेशन में दोस्तों सबसे पहले वो हमसे पूछ सकता है फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। कोई एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसके वो पूछेगा लास्ट की 2 डिजिट बताओ। तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ही पूछेगा हमसे लास्ट की 2 डिजिट, इसका मतलब है कि हमें उस एक्सप्रेशन में डिवाइड बाई 100 करना है। अगर उसने हमसे यही पूछ लिया लास्ट की 3 डिजिट, तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, अगर उसने हमसे क्या पूछा लास्ट की 3 डिजिट बताओ, लास्ट 3 डिजिट पूछेगा, तो हम डिवाइड बाई क्या करेंगे, 1000, डिवाइड बाई 1000। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा है उसका लास्ट की 2 डिजिट पूछेगा तो डिवाइड बाई 100, 3 डिजिट पूछेगा तो डिवाइड बाई 1000। चलिए कुछ देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, उसे समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा पहला 56 59 32। इसके हमें बताना है लास्ट की 2 डिजिट। लास्ट की 2 डिजिट मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई हमने क्या कर दिया 100। कुछ छोटा कर लेते हैं जिससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 8 जब इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। अब डिवाइड कर ले हम 25 को, इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा पूरा पूरा 50, क्या बचा हमारे पास, 6 बचा। इसको डिवाइड करेंगे तो 50 क्या बचेगा हमारे पास, 9 बचेगा। ये 8 है, डिफरेंस ज़्यादा है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। इंटू कर लेते हैं 9 6 9 6 54 इंटू 8 डिवाइड बाई 25। ये 25 2 50 क्या बचा, यहाँ से 4 बचा, यहाँ से क्या बचा, 8 बचा, डिवाइड बाई 25। 8 6 32 डिवाइड बाई 25, बड़ा अभी एक बार और डिवाइड हो जाएगा, 25 से कम 25, तो 5 3 और 2 7 मतलब 32 हो जाएगा, तो ये क्या बचा यहाँ से, 7। तो यहाँ से देखें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है रिमाइंडर, पर कॉमन फैक्टर क्या है, देखो यहाँ भी 4 से कैंसिल किया था, यहाँ भी 4 से, यानी कॉमन फैक्टर, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, उस कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 6 28। तो लास्ट की जो 2 डिजिट होंगी वो क्या होंगी, 28 होंगी, 28 इज़ द लास्ट, इनको इंटू करोगे तो ये 28 ही आएगा लास्ट में। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। इस मल्टीप्लाई का हमें निकालना है लास्ट की 2 डिजिट, तो अभी बताया तरीका, क्या कर देंगे, डिवाइड बाई जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसको कर देंगे डिवाइड बाई 100, 49 52 56 बाई 100। ये से 4 1 4 4 4 16 डिवाइड हो रहा है, तो 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये 25 हो गया, ये 4 1 4 4 4 16 14। तो अब हम क्या बचा, 25 बचा। अब हम इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं डिवाइड करके, 25 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ करना है, क्योंकि 25 2 50 होता तो इसको -1 लिख देते हैं, 25 2 50, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 बचेगा, ये तो 14 ही रहेगा, तो इसको 14 ही लिखा रहने दिया, डिवाइड बाई 25, माइनस 14 2 ज़ा
28 डिवाइड बाई 25 माइनस 25 से कम 25, तो क्या बचेगा यहाँ से, 3 बचेगा। यहाँ से देखोगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, पर माइनस है तो माइनस तो हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 3 तो क्या आ गया 22, और कॉमन फैक्टर क्या था, 4 कॉमन फैक्टर था, तो 4 से इंटू कर देंगे तो 4 2 8 4 2 8, तो ये 88 इज़ द आंसर। इसकी लास्ट जो 2 डिजिट होंगी वो क्या होंगी, 28 इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 22 31 44 27 37 43, ये एक्सप्रेशन दिया है और उसने पूछा है लास्ट की दो डिजिट बताओ, तो जैसे उसने हमसे लास्ट की दो डिजिट पूछा तो हम इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 100, ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा, तो 25 इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। डिवाइड करते हैं इसको, 25 से कम 25 क्या हो गया, माइनस 3, इसको डिवाइड करेंगे तो 25 से कम 25 क्या बचेगा, 6 बचेगा एक्स्ट्रा है, ये 11 है, डिफरेंस ज़्यादा है, इसको ये लिखा रहने देंगे, 25 से कम 25 इसको 27 कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये 2 बचेगा, 25 से कम 25 तो क्या बचा, यहाँ से 2 बचा, इसको करेंगे तो 25 से कम 25 25 10 35 और 2 37 यानी 12, इसको करो 25 दूनी 50 क्या बचा, माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 25। चलिए आगे देखते हैं, 7 ये कहीं से माइनस माइनस का इंटू कर दे तो 21, 11 6 66, 12 दूनी 24, जो भी इंटू आसान लगेगा हमें, कैलकुलेशन बड़ा नहीं करना है, 25 से कम 25 क्या बचा, माइनस 4, 25 दूनी 50 तो क्या बचेगा यहाँ से, 16, 25 से कम 25 क्या बचेगा, माइनस 1 डिवाइड बाई 25, 16 चौका कितना होता है, 64, 64 और ये माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, 25 दूनी 50 क्या बचा, 14, तो ये 14 भी दोस्तों आ गया, ये हो गया हमारी लास्ट की दो डिजिट। पर हमें ये ध्यान देना है भी हमारा कॉमन मल्टीपल क्या था, 4 से हमने डिवाइड किया था, कॉमन फैक्टर था ये, तो उससे हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर ये होगा हमारा 14 × 4 56 इज़ द आंसर। तो इस तरह से दोस्तों 2 डिजिट अगर पूछेगा किसी भी एक्सप्रेशन के तो निकाल सकते हैं हम। चलिए एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि किसी प्रकार का डाउट नहीं रहे, पॉजिटिव और नेगेटिव हमने सब तरह से सॉल्व कर लिया है। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल इसका, 37 × 53 × 65 × 39 65 × 39 × 1352 × 48 × 73 ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ 48 × 73, इसका उसने हमसे पूछा है लास्ट की दो डिजिट निकालना है, तो जैसे उसने हमसे लास्ट की दो डिजिट पूछा, सबसे पहला काम है हमारा क्या करेंगे, हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 4 1 4 4 2 8 डायरेक्ट डिवाइड हो रहा, तो इसको जितना छोटा हो जाए उतना बढ़िया है, 25 इसको 4 1 4 4 2 8, अब 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50 ठीक है, तो यहाँ से वैसे 17 बचेगा, वहाँ से क्या बचेगा, 37 3 40 और 10 50, यानी इसको हम माइनस 13 लिख सकते हैं, जहाँ से आसान पड़ेगा वो लिखेंगे हम, जहाँ नेगेटिव जहाँ पॉजिटिव आसान पड़ेगा, 25 दूनी 50 क्या बचेगा यहाँ से, 3 बचेगा, 25 दूनी 50 क्या बचेगा यहाँ से, 15 बचेगा, 25 दूनी 50 तो 39 1 40 और 10 50 तो माइनस 11, इसको डिवाइड करते हैं, देखो 25 से भाग दोगे तो 1350 पूरा पूरा चला जाएगा, 25 छक्का 150 होता है, 25 पंचे 125 क्या आ गया यहाँ से, 0 1352 है, 0 102 25 चौके 100 तो क्या बचा, 2 बचा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 बचने वाला है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 ही रहने देते हैं, 25 दिया 75 क्या बचेगा, -2 डिवाइडेड बाई 25, जो जो इनटू हमें आसान लग रहा है उसको हम तुरंत कर लेंगे, बाकी को हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, 13 39
ये माइनस 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 रहेगा लास्ट में, 13 या 39, ठीक है। 39 दुनी कितना हो जाएगा, 39 × 2 तो 9 दुनी 18, 1 × 3 × 2 = 6 = 7, 78 हो गया। तो हमने 13 किया और ये 2 × कर लिया, ठीक है। 15 × 11 कर लेते हैं तो इंटू क्या हो जाएगा, 11 × 55, 5 कैरी, 11 × 11 और 5 = 16, ठीक है, 165 हो गया। इंटू ये हो चुका है 12 × 24, इसको कर लिया, डिवाइडेड बाई 25, माइनस आ गया था पहले ही तो उसको आगे लगा लिया हमने, फिर से कर लेंगे, डिवाइड करेंगे, 25 × 75 क्या बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, जो माइनस है उसको पहले लगा दिया, 25 से डिवाइड करेंगे तो 150 तक तो चला जाएगा, क्या बचेगा, 15 बचेगा, 25 × 25 तो -1 डिवाइडेड बाई 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 15 × 3 क्या बचेगा, 45/25, इसको डिवाइड करो, 25 × 50 क्या आ गया, -5/25, -5 हो नहीं सकता आंसर, तो क्या हो जाएगा, 25 - 5 यानी क्या हो गया, 20। कॉमन मल्टीपल क्या है, 4, यानी कि 20 × 80, ठीक है। तो लास्ट की दो डिजिट क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8 = 0, तो 80 हमारा हो जाएगा कॉमन मल्टीपल। चलिए देखते हैं कुछ और रिमाइंडर कैसे और निकालते हैं, टू डिजिट का आप समझ गए अच्छे से इसको, ऐसे थ्री डिजिट का होगा तो बस कुछ नहीं करना, केवल 1000 से हमें भाग देना है। एग्जाम्पल एक, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 डिवाइडेड बाई 8, ये लिखा हुआ है 1 से लेके 15 तक, और उसने पूछा है डिवाइड बाई 8 करो तो हमें रिमाइंडर बताओ। हमने पढ़ा है 8 का रूल, अगर 8 से किसी को डिवाइड करते हैं तो 8 को क्या ले सकते हैं, 2 का क्यूब, यानी लास्ट की 3 डिजिट को हम देख लेंगे डिवाइड करके, तो ऐसा कुछ भी रहेगा तो हम क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट को डिवाइड कर लेते हैं, तो 8/415, तो 8 × 5 = 40, क्या बचने वाला है, 15, तो 8 × 8 = 8, क्या बचा, 7, यानी रिमाइंडर इज 7। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से हम डिवाइड करके देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसके आगे, फाइंड द रिमाइंडर, कुछ एग्जांपल और देखते हैं, 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 20/7, इसका भी रिमाइंडर निकालना है। चलिए पहले अलग अलग निकाल के देख लेते हैं, 10 की पावर 10/7 का रिमाइंडर क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। अगर कहीं लिखा है 10/7 तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा, 7 × 7 = 3 आएगा, ठीक है। 10² / 7 लिखा है, इसको हम क्या लिख दें, 10 × 10/7 लिख दें, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3/7 यानी 9/7, यानी क्या आ गया रिमाइंडर, 2 आ गया। ऐसे अगर 10³ लिखा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 × 10 × 10/7, यहाँ से भी क्या बनेगा, 3 × 3 = 3/7, 9 × 3 = 27, 7 × 3 = 21, क्या आया रिमाइंडर, 6 है, यानी हम 10/7 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर कितने, 3 आएंगे 10 आएंगे 3 की पावर 10/7, इसको सॉल्व करना है। अब हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, जब भी इस तरह का फॉर्मेट हो तो उसमें पढ़ा था हमने x + a^n / x, तो इसका रिमाइंडर होता है a^n/x, ऐसा कर सकते हैं, तो इसको 7 के आसपास बना लेते हैं, तो इसको 7 के आसपास बनाने का मतलब क्या है, 9 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, 3 के स्क्वायर की पावर 5/7, तो 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, तो 9 को मैंने लिख दिया 7 + 2 की पावर 5/7, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, 2 की पावर 5/7। अब इसको फिर सॉल्व करना है तो 7 के पास में एक और हमने थ्योरम पढ़ी थी कल, ax + 1 की पावर n
बाई ए या एक्स कुछ भी लिख सकते हो डिवाइड बाई ए, तो इसका रिमाइंडर हमेशा वन होता है। तो देखो टू के क्यूब को हम आठ बना सकते हैं, तो आठ क्या हो जाएगा सेवन प्लस वन, तो इसको टू का क्यूब अलग कर दिया, टू स्क्वायर अलग कर दिया डिवाइड बाई सेवन, टू का क्यूब क्या होगा एट इंटू फोर डिवाइड बाई सेवन, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा वन इंटू फोर बाई सेवन, यानी रिमाइंडर इज फोर। तो 10 की पावर 10 का रिमाइंडर क्या आ गया 4। ऐसे अगर 10 की पावर 20 बाई सेवन हम करें अलग से, तो 10 की पावर 20 क्या लिख सकते हो 3 की पावर 20 बाई सेवन, 3 की पावर बिल्कुल ऐसे सेम 3 की पावर 20 बाई सेवन, इसको भी ऐसे 9 बना लें तो 3 स्क्वायर, अब ये 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 10 20, 3 का स्क्वायर क्या लिख देंगे 9, तो 9 को क्या लिख देंगे हम डायरेक्ट लिख दो 7 प्लस 2 की पावर 10 बाई 7, ठीक है 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से क्या आ गया ये 2 की पावर 10 बाई 7, 2 की पावर 10 बाई 7 का मतलब क्या हो गया इसको हम 2 क्यूब बनाना है, 2 का क्यूब 8, अब ये 3 का क्या हो जाएगा यहाँ 9 करना पड़ेगा 3 3 9, तो 2 की पावर 9 हो गया इंटू 2 बाई 7, ये क्या हो गया 8, यहाँ से रिमाइंडर क्या आने वाला है 8 का क्यूब इंटू 2 बाई 7, इस 8 से क्या आएगा रिमाइंडर 1 आएगा, कैसे 7 प्लस 1 बाई 7 1 आएगा इंटू 2 बाई 7, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 2, इधर से रिमाइंडर आया 2, इधर से रिमाइंडर आया 4, यहाँ रख देता हूँ 4 प्लस 2 बाई 7, तो 4 प्लस 2 क्या हो गया 6 बाई 7, यानी रिमाइंडर इज 6। तो दोस्तों इस तरह से अगर 10 की पावर के टर्म्स में भी लिखा है तो इस तरह से हम रिमाइंडर्स को फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारा और इसी तरह की कुछ। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 क्यूब एंड सो ऑन 10 की पावर 100, इसको हम डिवाइड बाई 6 से देखते हैं। 10 की पावर 1 क्या बचेगा इसको पहले ऐसे देखते हैं, 10 की पावर 1 बाई 6 अलग अलग करके, तो रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ से 4। अगर ऐसी 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 बाई 6, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 4, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4, तो ये 4 4 जा 16, 16 बाई 6 करेंगे तो 6 दूनी 12 क्या बचा रिमाइंडर 4, तो यहाँ से 4 हो गया। यहाँ देखेंगे 10 क्यूब, तो 10 क्यूब में भी क्या हो जाएगा 4 × 4 × 4 डिवाइड बाई 6, तो ये क्या हो गया 16 × 4, ये सीधे कर देते 64 बाई 6, इसको 6 से भाग देंगे तो 60 बार चला जाएगा, क्या बचेगा रिमाइंडर यहाँ से 4, मतलब हर बार रिमाइंडर क्या बचना है 4 बचना है, तो 4 4 8 4 12, अगर इन 3 को हम ऐड करेंगे तो 12/6, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ से रिमाइंडर आया 0। अब नेक्स्ट 10 की पावर 4 का भी क्या रिमाइंडर आएगा 4, नेक्स्ट 10 की पावर 5 का भी रिमाइंडर क्या आएगा 4, और 10 की पावर 6 का भी रिमाइंडर क्या आएगा 4, तो अगले 3 को जोड़ोगे तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा 0, मतलब 3 3 के पेयर कितने बन जाएंगे, तो अगर 10 की पावर 1 से लेके 3 3 के पेयर बनाओगे तो 10 की पावर 99 तक पेयर बन जाएंगे, तो लास्ट टर्म केवल क्या बचेगा 10 की पावर 100 बाई 6, और 10 की पावर कितना ही हो रिमाइंडर हर बार कितना आ रहा है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिमाइंडर इज 4। चलिए देखते हैं और एग्जांपल कुछ इसी टाइप से, तो इसका कुछ भी हो 10 की पावर, मैं तो कह रहा हूँ अगर ऐसा भी लिख दिया 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 एंड सो ऑन, उसने लिख दिया 10 की पावर 12 डिवाइड बाई 6, 3 का पेयर 3 का मल्टीपल है 12, यानी रिमाइंडर क्या आएगा सारे 0 आ जाएगा रिमाइंडर। अगर ये 10 की पावर 13 कर दे यहाँ पे तो एक बच जाएगा केवल क्या 10 की पावर 13 बाई 6, यानी रिमाइंडर इज 4। तो इस तरह का कोई भी हो 6 से तो वो 3 3 के पेयर में होगा, 7 से डिवाइड वाला भी हमने देख लिया है। तो इस तरह से दोस्तों ये रिमाइंडर में अब कुछ भी अब हमारा बचा नहीं, हर टाइप का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, पहले वाले पार्ट में हमने कर लिया था फैक्टोरियल वाले, इसमें 10 की पावर वाले कर लिए, एप्लीकेशन कर लिया, लास्ट की 2 डिजिट लास्ट के 3 डिजिट निकालना कैसे निकालते, अब हम देखेंगे काउंटिंग नंबर ऑफ जीरोज या मल्टीपल में लिखा हुआ तो कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, अब इनको देखते हैं।
फिर इसके बाद कुछ रिमाइंडर थ्योरम्स के कुछ रूल हैं उनको देखेंगे, और आज के लेक्चर को फिर वहीं पे अपन कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं काउंटिंग नंबर ऑफ जीरोस। हेडिंग लिख लेंगे हम काउंटिंग नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल एन। हमें फैक्टोरियल एन लिखा है, उसके एंड में हमें बताना है कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। जैसे उसने लिख दिया कि फैक्टोरियल 10 है, इसके में कितने जीरो आएंगे। फैक्टोरियल 100 है, 200 है, 500 है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा है, हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे, एन बाई 5 प्लस एन बाई 5 का स्क्वायर प्लस एन बाई 5 का क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। और इसके आंसर में हमें केवल इंटीग्रल वैल्यू लेना है, जो इंटीग्रल वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को हम मानेंगे। जैसे आ गया मान लो 5 से हमने डिवाइड किया और आ रहा हमारा 2.5, तो हमें क्या लेना है, इंटीजर वैल्यू, जो 2 पॉइंट लेना है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को नहीं लेना है, ठीक है। इसको डिवाइड किया मान लो आ गया 1.3, तो हमें किसको कंसीडर करना है, केवल 1 को, और यहाँ से आया 0.2, तो कंसीडर किसको करेंगे, 0 को, और सभी को जोड़ देंगे, मतलब उतने नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे हमारे। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो उससे और क्लियर होगा कैसे निकालेंगे। तो पहला एग्जांपल हम यही देख लेते हैं, फैक्टोरियल 10 में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं, हम कल बताया था फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 होता है, फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा, 4 × 3 × 2 × 1, यानी 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा, 5 से इंटू और इसमें कर दें तो 24 × 5 = 120। अगर फैक्टोरियल 6 की बात करें तो उसमें 6 से इंटू कर देंगे तो यानी 720। तो पहले मैं बहुत छोटे छोटे एग्जांपल लेकर रहा हूँ। उसने हमसे पूछा कि बताओ फैक्टोरियल 5 के लास्ट में कितने जीरो हैं। तो मैंने क्या बताया, फैक्टोरियल एन में एन बाई 5, एन क्या है, 5, 5 बाई 5 प्लस 5 बाई 5 का स्क्वायर करने की हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि वैल्यू बड़ी हो गई एंड सो ऑन। तो यहाँ से आगे के जितने टर्म हैं सब जीरो हो जाएंगे। 5 बाई 5 क्या आ गया, 1। देखो लास्ट में फैक्टोरियल 5 के लास्ट में एक जीरो है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा कि बताओ फैक्टोरियल 6 के लास्ट में कितने जीरो हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 बाई 5 प्लस 6 बाई 5 का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जीरो पॉइंट आएगा, तो ये टर्म क्या बन गया, जीरो। 5 × 1 = 5, पॉइंट के बाद की हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, यानी लास्ट में कितने जीरो आएंगे, तो 1 आएंगे। तो ये आपको बेसिक से समझ में आ गया होगा। थोड़ा बड़ी वैल्यू लेके करते हैं। अब उसने हमसे पूछ लिया फैक्टोरियल 10 के लास्ट में कितने जीरो है, तो क्या करेंगे हम, 10/5 प्लस 10/5 का स्क्वायर, आगे लिखने की हमें ज़रूरत है नहीं, ये टर्म जीरो जाएगा, 5 × 2 = 10। तो जैसे हम फैक्टोरियल 10 की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। देखो बहुत आसान है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही जीरो रहने वाला है कि 7 × 2 = 14 आएगा। फिर उसके बाद उसमें 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 2 = 32, एक ही जीरो आएगा। 9 में भी कोई जीरो आने वाला है। फिर जैसे इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। फैक्टोरियल 100 को ही देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 100/5 प्लस 100/25 प्लस 100/5 का क्यूब क्या होता है, 125। इसको 5 बार डिवाइड करेंगे, 5 से तो 5 × 2 = 10, 20 आ जाएगा, 25 × 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 20 + 4 = 24। यानी फैक्टोरियल 100 के लास्ट में कितने जीरो होंगे, 24 जीरो होंगे फैक्टोरियल इसके लास्ट में। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो उसने 101 दे दिया, 100 की जगह 101 कर दिया, कुछ नहीं है, बस दशमलव में आएगा, दशमलव वाली वैल्यू को तो वैसे ही हमें लेना नहीं है, इंटीजर पार्ट लेना है। 101/5 प्लस 101/25 प्लस 101/125, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 × 2 = 10 जाएगा, नहीं 20। इसको 25 × 100, 4 पॉइंट आएगा, हमें मतलब नहीं है, ये तो जीरो होने वाला है, 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कितने जीरो आएंगे, 24 जीरो आएंगे। ऐसे उसने पूछ लिया फैक्टोरियल 1000 के लास्ट में कितने जीरो होंगे, तो कैसे करेंगे, 1000/5 का स्क्वायर 25
1000 बाई 5 का क्यूब 125, इसके आगे 1000 बाई 125 इंटू 5 करोगे तो 625। अब इसके आगे लिखोगे तो वो सब जीरो होने वाले, क्योंकि वो एक 625 1000 से बड़ी वैल्यू है। इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10 200, 25 चौके 100 यानी 40, 125 अट्ठे कितना हो जाएगा 1000, 625 केवल एक ही बार जाएगा यानी कितने जीरो होंगे 249 जीरो होंगे फैक्टोरियल के लास्ट में। तो दोस्तों इस तरह से काउंटिंग नंबर ऑफ जीरोस अगर किसी फैक्टोरियल के एंड में बोलेगा तो इस तरह से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ ए प्रोडक्ट, नंबर ऑफ जीरोस। अब अगर कहीं प्रोडक्ट लिखा है उसके एंड में उसने हमसे जीरोस पूछे, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट लिखा है उसके एंड में जीरो पूछा। तो देखो मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल समझा देता हूँ, बाकी उसके बाद पॉइंट बता दूंगा। जैसे उसने लिख दिया 2 × 4, अब कोई पूछेगा तो कोई जीरो नहीं आएगा। अगर मैं इसी में 5 का इंटू कर दूं तो जीरो आना है, 5 × 20 × 40 एक जीरो आएगा। मतलब यहाँ से एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है कि जहाँ जहाँ 2 और 5 का मल्टीप्लाई आएगा वहाँ से जीरो बनेगा, या 10 आ जाएगा कहीं सीधे सीधे तो वो तो सीधे जीरो हो जाएगा। तो जनरली वो जो हमें टर्म्स देगा वो ऐसे देगा, तो हमें क्या करना है 2 के पेयर बनाने और 5 के पेयर बनाने। तो जितने 2 और 5 के कॉमन पेयर बनेंगे, अब जैसे मान लो कहीं पर आ गया 2, मान लो 2 आ गए और 5 आ गए 3, अब वो पूछे कितने जीरो बनेंगे। तो यहाँ से ये 2 पेयर बन रहे हैं ना, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी इसके लास्ट में इस इंटू के लास्ट में 2 जीरो आने वाले हैं। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। या फिर एक तरीका क्या है, जैसे 2 का स्क्वायर और 5 का क्यूब है तो इनमें पावर कौन सी छोटी है 2 और 5 में, 2 की पावर छोटी है यानी कि 2 जीरोज आएंगे लास्ट में। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट, इसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये 2 तरीके हैं, या तो हम पेयर बना ले कैसे इक्वल इक्वल पावर के एक बाकी को छोड़ दें, या फिर हम देख लें इनमें पावर कौन सी छोटी है उसके अकॉर्डिंग उतने नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे ये और क्लियर हो जाएगा। मैंने छोटा सा एग्जांपल लेकर इसलिए बताया ताकि आपको ये इसमें कोई डाउट ना रहे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। तो अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ जीरोस अगर हमें पता करने हैं कि किसी प्रोडक्ट के एंड में कितने हैं, तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है इसमें 20 × 22 × 25 × 14 × 19। तो इसका केवल एक ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हमें इसमें क्या बनाना है 2 और 5 के मल्टीपल ढूंढने हैं। तो अगर इसका हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 × 5 20 हो गया। ये इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 11 हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 × 7 हो जाएगा, 19 के कोई फैक्टर नहीं। 2 की पावर कितनी हो रही है, 2, 1, 3 और 1, 4 यानी 2 की पावर 4 × 5 की पावर 2, 1, 3, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है 11 × 7 × 19, क्योंकि इनका इंटू करोगे तो कोई ज़ीरो बनने वाला नहीं है। ज़ीरो जो बनेगा वो यहीं से बनेगा जब 2 और 5 का इंटू होगा, ठीक है। तो यहाँ से कितने ज़ीरो बनेंगे, 3 पेयर बन रहे हैं, 2 × 5 का क्यूब यानी नंबर ऑफ जीरोस लास्ट में कितने आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। अगर हम इसको नहीं तोड़ते, इसको हम बी सी रहने देते, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितने आ रहे हैं, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर नंबर ऑफ जीरोस 2, 2 जीरोस ये हैं और एक ये 20 वाले 2 से, अगर इसमें हम 2 से इनटू और कर देंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा यानी 3 जीरो। तो ज़रूरी नहीं था ये 20 वाले को जहाँ जीरो होगा उसको हम ब्रेक करें, क्योंकि वो तो वैसे ही हमें एक जीरो दे देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। दोस्तों क्लास में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आज का, 24 × 32 × 17 × 23 × 19। इसको भी ब्रेक करते हैं, 2 की 24 तो 2 की पावर 4, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा
चार, चार से डिवाइड करेंगे तो फोर सिक्स जा, फिर टू से डिवाइड करेंगे तो थ्री, आठ तीन चौबीस हो गया। इसको दो के, दो की पावर फोर क्या हो जाएगा, दो टू 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 जा फोर, टू जा एट, टू जा सिक्सटीन, टू जा बत्तीस, टू की पावर फाइव ये सत्रह, ये तेईस और ये नाइनटीन। देखो यहाँ पे कोई भी टू फाइव का, टू के साथ में कोई भी फाइव नहीं है, टू की पावर तो है पाँच तीन आठ इंटू थ्री इंटू सेवेंटीन इंटू ट्वेंटी थ्री इंटू नाइनटीन, यानी इसमें नंबर ऑफ़ जीरोस कितने होंगे, ज़ीरो होंगे, इसमें कोई भी नंबर ऑफ़ जीरोस नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसके बाद। फिफ्टीन इंटू थर्टी टू इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी टू इंटू फोर्टी इंटू सेवेंटी फाइव इंटू नाइन्टी एट इंटू वन वन टू इंटू वन ट्वेंटी फाइव। सीधे हमें टू और फाइव के पेयर बनाने हैं, टू का मल्टीपल देखो ये फाइव थ्री जा फिफ्टीन है, तो इसको फाइव इंटू थ्री लिख देते हैं, बत्तीस है, टू की पावर पाँच हो जाएगा बत्तीस, ये फाइव का स्क्वायर हो जाएगा, इसको टू इंटू इलेवन लिख दें, ये फोर्टी रहने देते हैं, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये पाँच क्या हो जाएगा, पच्चीस या पचहत्तर होता है, तो फाइव का स्क्वायर इंटू थ्री। जिसको डाउट हो तो कोई समस्या नहीं है, फाइव से ऐसे डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, पाँच दूनी पाँच, फाइव बन जा फाइव, पचम पच्चीस, फिर पाँच से डिवाइड करो तीन, तो फाइव इंटू फाइव इंटू थ्री, ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। टू से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ये टू फोर ज़ा एट और टू नाइन ज़ा एटीन, तो यानी अब क्या बचा, फोर्टी नाइन, यानी सेवन का स्क्वायर। फिर इसको टू से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, टू फाइव ज़ा टेन फिफ्टी सिक्स, फिर ये टू से डिवाइड हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर, टू एट ज़ा सिक्सटीन, फिर टू से डिवाइड हो जाएगा फोर्टीन, फिर टू से डिवाइड हो जाएगा क्या बचा, सेवन, यानी कितने टू आ गए, फोर, टू की पावर फोर इंटू सेवन। एक सौ पच्चीस को क्या लिख देंगे, फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, पच्चीस पंच, तो इसको सीधे हम क्या लिख दें, फाइव का क्यूब। देख लेते हैं टू की पावर कितनी है, टू की पावर पाँच है यहाँ, एक पावर ये हो गई छः, एक सात और चार ग्यारह, टू की पावर इलेवन इंटू फाइव की पावर एक दो तीन हो गए, पाँच हो गए, तीन आठ हो गए, फाइव की पावर एट इंटू फोर्टी और बाकी के सारे टर्म लिख देंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो टू और फाइव के कितने पेयर बन रहे हैं, आठ पेयर बन रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ जीरोज़ कितने आएंगे, आठ। लास्ट में फोर्टी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कितने हो जाएंगे, नौ जीरोज़। तो इस मल्टीप्लाई को अगर हम करेंगे तो इसके लास्ट में नौ जीरोज़ आने वाले हैं, ठीक है। इस तरह के दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, फाइंड द रिमाइंडर वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। वैल्यू है 41 डिजिट डिवाइडेड बाय 8। उसने पूछा है कि हमें इसका रिमाइंडर निकालना है, 1, 2, 3, 4 करके ऐसे हमें कितना लिखना है, 41 डिजिट्स लिखनी है, नंबर नहीं है 41, वो डिजिट्स हैं। अब जैसे 9 तक तो ठीक है, एक एक चलेगी, 10 से क्या हो जाएंगी, दो डिजिट, तो यहाँ पे कितनी हो गई, 11 हो गई। जैसे हम 11 लिखेंगे तो यहाँ 4 हो गई, तो 9, 4, 13 डिजिट हो गई। तो ऐसे हमें ये पता करना है कि जो 41 डिजिट है वो कौन सा नंबर है, 41वां डिजिट है जो, वो कौन सा नंबर आएगा, तो उससे हम बहुत आसानी से फिर निकाल सकते हैं। तो देखिए उसको कैसे निकालेंगे, एक से नौ तक में कितने हो जाएंगे, 1 to 9 में 9 डिजिट हो जाएंगे हमारे। तो हम क्या करते हैं, 41 में से 9 को माइनस कर देते हैं, तो 41 में से 9 जाएगा तो 11 में से 9 गया तो क्या बचा, 2, और यहाँ से क्या बचेगा, 32, ठीक है, 32 और 9 11, 32 डिजिट। अब ये जो 32 डिजिट आएंगी ये सारी डबल डबल आएंगी, तो हम क्या करें, जब डबल डबल आएंगी तो इसको क्या कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड करेंगे यानी 16 नंबर आएंगे। नंबर कैसे, 16 नंबर कैसे, 10, 11, 12, ऐसे कितने नंबर आएंगे, ऐसे 16 नंबर आएंगे। तो हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो लास्ट नंबर कौन सा होगा, तो 9 तो पहले थे, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, यानी लास्ट नंबर क्या होगा, 25। उसके जस्ट पहले क्या होगा, 24 होगा, क्योंकि उसने हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि हमें डिवाइड बाई 8 करना है। डिवाइड बाई 8 में हम क्या करते हैं, लास्ट की
तीन डिजिट से डिवाइड कर दें। तो लास्ट के तीन डिजिट यहाँ क्या है, 425 है, तो 425 बाई 8 करते हैं। ठीक है, चलिए भाग दे के बता देते हैं, 8 डिवाइड बाई 425, तो 8 पंच 40, क्या बचा 25, 8 तिया 24, क्या बचेगा 1, यानी इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से दोस्तों कोई भी अगर डिजिट के फॉर्म में आएगा तो हमें इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, इसका रिमाइंडर क्या क्या 1। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल इसी के। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन, और लास्ट में है 76 डिजिट्स, 76 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, डिवाइडेड बाय कुछ भी हो उसमें हमें कुछ नहीं घबराना है, केवल हमें बस ये निकालना है नंबर क्या है, 76 76वां डिजिट कौन सा होगा। तो देखिए 9 तक तो वही चलेगा कॉन्सेप्ट, 1 to 9 में तो 9 डिजिट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर इवन नंबर दिया है, इसके लिए हमें थोड़ा सा याद रखना है, वो बता रहा हूँ अभी क्यों ऐसा। इवन है तो इसमें एक कम कर देंगे हम, 75 माइनस 9 कर देंगे, तो 75 में से अगर 10 जाएगा तो 65 बचता है, पर हमें 9 माइनस करना, तो यानी क्या बचेगा 66। अगर हम यहाँ पे इवन नंबर लेते तो 76 माइनस 9 करते तो ये 67 हो जाता। अब 67 बाई 2 करते तो पूरा डिवाइड नहीं होता, यानी क्योंकि इसके बाद जो नंबर है 9 के बाद वो पेयर में आने, 10 11 दो डिजिट, फिर 12 दो डिजिट के पेयर में आने, तो हमने इसलिए क्या कर लिया, इसलिए एक कम कर लिया वहाँ से, अभी क्या हो गया 66। अब सारे नंबर कैसे हैं, दो दो के पेयर में आने, तो 66 बाई 2 यानी 33 नंबर आने, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 33 प्लस 9 कर दें लास्ट नंबर निकालने के लिए, तो 9 3 12 2 1 कैरी 3 1 4 42, इसके जस्ट पहले क्या होगा 41। अब देखो दोस्तों यहाँ तक में हमने कितने नंबर निकाली, 75 डिजिट निकाल ली, 75 क्योंकि हमने एक कम कर दिया था ना इवन में, तो 76वीं डिजिट क्या होगी, 41 के बाद क्या आने वाला है 42, 42 के बाद क्या आएगा 43, पर इसकी हमें केवल एक डिजिट लेना है, यानी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 16। अब 16 की बात आ गई तो 2 का क्यूब क्या होता था 8 होता था, यानी हमें क्या करते थे 8 के डिवीजन के लिए लास्ट की तीन डिजिट, अगर 2 की पावर 4 लिखा है यानी कि लास्ट की चार डिजिट को हम चेक करेंगे वो 16 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे लास्ट की चार डिजिट क्या है, लास्ट की चार डिजिट है ये हमारी, ठीक है ये 4 को थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, यानी 1424 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हम रिमाइंडर मिल जाएगा 1424 डिवाइड बाई 16, 16 से डिवाइड कर लेते हैं 1424, ठीक है डिवाइड करते हैं, आठ बार 8 6 48 4 और 8 4 12, ठीक है कितना बचा यहाँ से, 12 में से 8 गया 4, यहाँ के बचेगा 14, 144 कितने बार चला जाएगा 9 बार चला जाएगा, 9 6 54 4 5 कैरी 9 9 5 14 पूरा डिवाइड हो गया, यानी रिमाइंडर क्या बचा यहाँ से 0, तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बचा 0। तो इस तरह से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद आगे कुछ हम रिमाइंडर थ्योरम्स की रूल्स को देखते हैं। दोस्तों ये हमारा रूल, रिमाइंडर थ्योरम का पहला रूल, इसको देखते हैं समझते हैं फिर उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है उसको देखेंगे। दिस रूल इज अप्लाइड टू फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना है किसका, स्मॉलर डिवीजन का, स्मॉलर, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ आपको जिसको इंग्लिश में दिक्कत हो, बी ए ये क्यू आ गया और यहाँ पर बच गया आर, तो बी को हम बोलते हैं हिंदी में भाज्य, ए को बोलते हैं भाजक, ए को बोलते हैं भाजक और क्यू को बोलते हैं भागफल, क्यू को बोलते हैं भागफल, इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट, भाज्य को इंग्लिश में बोलेंगे डिवाइजर, ठीक है। तो और ये हो गया डिविडेंड, ठीक है ये हो गया कोसेंट डिविडेंड। तो देखो इसने क्या पूछा है कि स्मॉलर डिवीजन का हमें अगर रिमाइंडर उसने पूछा है, वेन द सेम नंबर, किसी एक नंबर को डिवाइड करें दो डिफरेंट डिवाइजर से, दो अलग अलग भाजक से,
अगर दो अलग अलग भाजक से हम डिवाइड करें किसी एक नंबर को, तो और वो जो डिवाइज़र उसमें से जो एक डिवाइज़र है सच डैट, ये एसटी का मतलब है सच डैट, वन डिवाइज़र, एक जो डिवाइज़र है वो मल्टीपल है दूसरे का, मतलब इसमें से जो दो डिवाइज़र है जिनसे हम भाग दे रहे हैं वो एक डिवाइज़र है वो दूसरे का मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे, तो रिमाइंडर हम सीधे किससे निकाल लेंगे, फॉर द ग्रेटर डिवाइज़र इज नोन, और हमें क्या होगा साथ में ग्रेटर डिवाइज़र गिवन रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला उसने, किसी संख्या को 527 से भाग देने पे शेषफल 42 प्राप्त हुआ। कोई एक संख्या है उसको अगर हम 527 से भाग दें तो हमें शेषफल क्या मिल रहा है, 42 मिल रहा है, ऐसा उसने बोला हमसे। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें, अब इसी नंबर को, ये एक्स है जो, इसी एक्स को अगर हम 17 से भाग दें तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, ये उसने हमसे पूछा है, ये उसने हमसे पूछा है, और यही वो रूल कह रहा है कि दो एक सेम नंबर को दो अलग अलग डिवाइजर से भाग दें, और अगर वो इसका मल्टीपल है तो हम ये चेक करेंगे पहले इसका मल्टीपल है कि नहीं, अगर ये इसका मल्टीपल है तो अगर उसने और ग्रेटर डिवाइजर हमें गिवेन है तो हम स्मॉलर डिवाइजर का रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, ये रूल कह रहा था, इसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, इंग्लिश में इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 527, एक नंबर है जिसको हमने डिवाइड किया 527 से तो रिमाइंडर हमें 42 प्राप्त हुआ। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ इट इज डिवाइडेड बाई 17, जब हम उसको 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। सबसे पहला हमारा इसमें काम क्या, पहले हम ये देखेंगे क्या ये 17 इस 527 का मल्टीपल है कि नहीं, तो 527 डिवाइड बाई 17 कितने बार भाग जाएगा, 17 51 डिवाइड करके बता देता हूँ, 17 51 क्या बचा, 17 17 1 17 रिमाइंडर आया 0, यानी ये 31 बार भाग चला जाएगा, 31 मल्टीपल, यानी ये तो कन्फर्म हो गया कि ये 527 जो ये 17 का मल्टीपल है, जब ये 17 का मल्टीपल है तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो इसका शेषफल है उसको भाग दे देंगे 17 से भाग दे देंगे, तो ये कितने बार जाएगा, 17 2 34 34 6 40 और 2 42 यानी 8, तो आंसर क्या हो गया, 8। अभी ध्यान दीजिए ये ऐसा क्यों किया मैंने, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने क्या पढ़ाया पहले वाले में डिविजिबिलिटी रूल, हल्का हल्का सब एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर उसको आपने देखा होगा अच्छे से तो वहाँ मैंने बताया था, एक मेथड बताई थी, इवन मैंने रिमाइंडर में प्रीवियस वीडियो में ही बताया, ये 527 का ये मल्टीपल है 17 से, अगर ये एक्स को 527 पूरा पूरा डिवाइड कर देता और जब ये इसका मल्टीपल है यानी ये 17 भी पूरा पूरा डिवाइड कर देता, तो अगर हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, केवल क्या बचेगा, 42 बचेगा लास्ट में, तो बस हमें क्या काम रह गया हमारा, इसी 17 से भाग दे देना इस 42 को, तो ये किया है अपन ने। चलिए देखते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन इसी तरह का करते हैं, सेम लैंग्वेज रहेगी सब कुछ रहेगी, केवल नंबर के चेंजेस हैं, नंबर के चेंजेस हैं तो मैं केवल नंबर चेंज कर देता हूँ, भाई क्वेश्चन में कोई चेंजेस है नहीं। चलिए देख, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ और केवल नंबर चेंज कर दूंगा मैं। किसी संख्या को 156 से भाग देने पे, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष फल, भाग देने पर 29 शेष बचता है, वहाँ लिखा है 29 शेष बचता है, यहाँ मैंने बता दिया शेष फल 29 प्राप्त हुआ, शेष फल क्या प्राप्त हुआ, 29 प्राप्त हुआ। फिर उसने बोला है क्वेश्चन में, यदि उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, उसी संख्या को अगर 13 से भाग दें, उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेष फल क्या बचेगा, इंग्लिश में यहाँ क्या हो जाएगा, 156 कर दिया, रिमाइंडर क्या बचा, 29 बचा, और हमें क्या भाग देना है, किससे, 13 से। एक बार और अच्छे समझते हैं, इस तरह क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम का। चल देख, कोई एक संख्या है वही मैं वैसे ही समझा रहा हूँ फिर से, 156 से इस संख्या एक्स से इसको भाग दिया मैंने, तो उसने बोला कि भाग देंगे कुछ ना कुछ आएगा, लास्ट में 29 शेष फल आ गया, 29 बच गया हमारा रिमाइंडर। अब उसने क्या बोला है, 13 से इसी नंबर को भाग दो, 13 से भाग दो इस नंबर को, अगर हमें ये मालूम चल जाए कि ये 13 इसका मल्टीपल है, यानी हम 13 से भाग देंगे तो ये 29 बचेगा, केवल हमें क्या करना पड़ेगा, 13 को 29 से भाग देना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले ये इसका मल्टीपल है भी कि नहीं, तो 156 डिवाइड बाई 13 किया, बहुत आसान है डिवीज़न, 13 1 13 क्या बचा, 2 13 2 26 यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया,
ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी अगर इस नंबर को 13 से भाग देंगे तो भी क्या बचेगा, 29 बचेगा। यानी हमारा काम क्या है, 29 डिवाइड बाई 13 करना है। तो 13 दुने 26 डिवाइड बाई क्या बचा यहाँ से, 3, यानी रिमाइंडर इज 3। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। चलिए मैं एक और क्वेश्चन में इसी में एडिट करता हूँ और एक इसी तरह से करता हूँ, और एक आपको एक सिंपल वे में एक एग्जांपल से और समझाता हूँ, छोटी संख्या जिसमें आप और कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर सकेंगे। चलिए देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। चलो एक छोटे से एग्जाम्पल इसको और समझते हैं, बिल्कुल छोटी वैल्यू जो कि कहीं डाउट नहीं रहे। मैं दे रहा हूँ 10 को भाग 6 से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का करेंगे। 10 को भाग दिया मैंने 6 से, ठीक है, ये मेरे को नहीं पता है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो 10 का भाग दिया मैंने तो 6 कम 6 क्या बचा, 4 रिमाइंडर बचा। क्वेश्चन में वो हमें क्या दे रहा है, ये 10 नहीं दे रहा, केवल 4 दे रहा। क्वेश्चन में वो ये बोल रहा हमें कि 6 से मैंने किसी संख्या को डिवाइड किया और रिमाइंडर मेरे को 4 मिला। तो अगर मैं इसी संख्या को 3 से भाग दे दूं, इसी संख्या को, मतलब यहाँ 10 को, मतलब उसने क्या बोला, यहाँ x है, इस x को अगर मैं किससे भाग दे दूँ, 3 से भाग दे दूँ, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये मेरे को फाइंड करने को हर बार बोल रहा है। तो देखो मैंने अभी तक क्या बोला था, 3 से भाग देंगे तो देखो पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं, तो क्या बचा रिमाइंडर, 1 बचा। अब देखो अभी तक मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये इसका मल्टीपल है, 3 × 2 = 6, ये इसका मल्टीपल है, तो डायरेक्ट हम किसको भाग देंगे, 4 को भाग देंगे। तो 3 / 4, तो 3 × 1 = 3, क्या बचा रिमाइंडर, 1। ये कर रहे हैं अपन, ये छोटे से एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ संख्याएं बड़ी हैं तो कई बार ये डाउट आ रहा होगा कि ये 3 से क्यों भाग दे रहा है, क्योंकि जब हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ तक तो डिवाइड होगा ही होगा, केवल यही बचेगा लास्ट में 4। अब ये संख्या बड़ी है तो एक बार और चला जाएगा, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल इसी पे बेस्ड, चलिए एक और देखते हैं इसी टाइप का, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामों में, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर। कोई संख्या है 195 से, बस कुछ नहीं करेगा, भाग की जगह विभक्त लिख दिया उसने, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पे 29 शेष प्राप्त हुआ, 47 शेष प्राप्त हुआ। फिर उसने पूछ बोला है क्वेश्चन, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें, यदि उसी संख्या को 15 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। चलिए देखते हैं, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 195 तो ये हमें क्या मिल रहा है, 47, और ये क्या मिल रहा है, 15। फिर वही काम, उसने बोला 195 को किसी एक नंबर x है उससे भाग दिया तो हमें क्या मिल रहा है, 47। फिर उसने बोला उसी नंबर को किससे भाग देना है, 15। सबसे पहला काम मेरा क्या है, मैं चेक करूंगा कि 195 क्या 15 से पूरा पूरा डिवाइड है, तो ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं, 15 × 15 क्या बचे, 4, तो 15 × 45 75 होता, सॉरी 15 × 45 15 × 75 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 13 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 15 को सीधे 47 से भाग दे देंगे, 15 × 45 तो क्या हो गया, 2 इज द आंसर। चलिए अब देखेंगे अपन दोस्तों सेकेंड नंबर का रूल देखते हैं, तो अब देखते हैं सेकेंड नंबर रूल दोस्तों, ये हमारा रूल नंबर 2। क्या बोला उसने, इफ टू डिफरेंट नंबर, दो अलग अलग नंबर हैं ए और बी, जिनको हमने डिवाइड किया है सेम डिवाइजर, मतलब सेम भाज्य से, दो नंबरों को, ए को और बी को, दोनों को हमने डिवाइड किया है। जब हमने इस किसी एक से, मान लेते एक्स है, एक्स से डिवाइड किया ए को, तो रिमाइंडर हमें मिला R1। जब इसी एक्स से हमने बी को डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमें मिला R2। ये उसने बोला है, देन देयर सम ए प्लस बी, मतलब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, ए प्लस बी को जब हम डिवाइड करेंगे एक्स से तो रिमाइंडर हमें मिल रहा है कैपिटल R। ए प्लस बी को जब डिवाइड करेंगे उसी डिवाइजर से तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है कैपिटल आर। तो इस रिमाइंडर कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती है, R1 + R2, जो कि रिमाइंडर कौन से जब अलग अलग डिवाइड किया था, माइनस डिवाइजर जो ये एक्स है। तो ये है हमारा दोस्तों फॉर्मूला, यदि कैपिटल आर है बिकम्स नेगेटिव, अगर कैपिटल आर की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होगा, जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर होगा वो होगा सम ऑफ रिमाइंडर, हम सीधे R1 R2 को ऐड कर देंगे, वही हमारा रिमाइंडर होगा। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। दो डिफरेंट नंबर है डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, उसको सेम डिवाइजर से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारे मिले 15 और 39, मतलब हमें R1 की वैल्यू उसने क्या दे दी है, 15, और R2 की वैल्यू क्या दे दी है, 39।
हिंदी में क्या कह रहा है वो इसी चीज को, दो अलग अलग नंबर को समान भाज्य से भाग देने पे शेष फल 15 और 39 प्राप्त होते हैं, यानी R1 15 और R2 39 है। यदि उन दोनों नंबर के जोड़ को, मतलब वही उसने बोल दिया A+B को, उसी भाज्य से भाग दें तो शेष फल कैपिटल R उसने दे दिया हमें 7, तो शेष फल 7 प्राप्त होता है। इंग्लिश में देखें तो क्या लिखा, व्हेन देयर सम, इनके सम को मतलब A+B को डिवाइड करें सेम डिवाइजर से, उसी नंबर से, तो रिमाइंडर हमें 7 मिल रहा है। मतलब जब हम जो सम वाला होगा उसके रिमाइंडर को हम कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं, यानी कैपिटल R इज 7। तो फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, R = R1 + R2 - डिवाइजर। तो कैपिटल R है हमारा 7, ये है 15 + 39 माइनस डिवाइजर x, इसी की वैल्यू हमें निकालना है। x = इसको इस तरफ ले आएंगे, 9 5 14 वन कैरी, 3 1 4 1 5 54 -7, 54 में से 4 जाएगा 50, 50 में से 3 गया 47, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 47 इज द आंसर। यानी हम उस नंबर किससे डिवाइड कर रहे हैं, हम 47 से भाग दे रहे हैं उन दोनों नंबरों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैं लिख देता हूं आपको, है ना, इस पे, और इसके बाद अपन उसका सलूशन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा, दो डिफरेंट नंबर है, अगर उनको हम 47 से डिवाइड कर रहे हैं, लीव रिमाइंडर 13 और 23। यहीं से देखते हैं एक छोटे से उससे, देख दो डिफरेंट नंबर को 47 से डिवाइड कर रहा है। 47 से मान लेते हैं इस ए को डिवाइड किया और 47 से इस बी को डिवाइड किया, दो नंबर है ए और बी, डिवाइड किया तो इससे डिवाइड करने पे 13 रिमाइंडर आया, इससे डिवाइड करने पे 23 रिमाइंडर आया। दो अलग अलग संख्याओं को 47 से भाग देने पे शेष फल क्रमशः 13 और 23 प्राप्त होते हैं, यानी स्मॉल R1 की वैल्यू 13 है हमारी, R1 की वैल्यू 13 हो गई और R2 की वैल्यू 23 हो गई। उसके बाद बोला यदि इन संख्याओं के जोड़ को उसी संख्या 47 से भाग दें, 47 से भाग दें तो डिवाइजर के वो सॉरी तो रिमाइंडर क्या होगा, यानी उसने हमसे पूछा है इन दोनों का सम, यानी A+B को उसी संख्या 47 से भाग दे तो रिमाइंडर क्या होगा, इसको कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं, तो कैपिटल R पूछा है और ये हमें क्या दिया है, भाज्य दिया है यानी डिवाइजर, तो डिवाइजर उसने क्या दे दिया हमें, डिवाइजर दे दिया है 47। फॉर्मूला हमें पता है, कैपिटल R इज इक्वल्स टू 13 + 23 - 47। सॉल्व कर लेंगे इसको, 13 + 23 3 और 3 6 2 1 3 36 -47 वैल्यू क्या, 36 10 46 1 47, यानी -11, जो कि हो नहीं सकता, बताया था। देखो R बिकम्स नेगेटिव, देन क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम ही डायरेक्ट हो जाएगा रिमाइंडर, यानी क्या हो जाएगा 13 + 23 डायरेक्ट लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा हमारा 36। या फिर वही चीज़ है जो हम यहाँ भाग देते हैं, माइनस आ गया, जैसे हमने क्या किया था, मान लो हम देना है हमें 7 में भाग देना है किसका, 4 का, तो हम क्या बताएंगे रिमाइंडर क्या है, 3, पर अगर मैंने लिख दिया रिमाइंडर -1, मतलब 4 × 8, तो मैंने क्या किया था, इस कैसे आएगा 4 - 1 3, तो वही चीज़ यहाँ पे घुमा फिरा के देखो, यहाँ पे -11 आया, मतलब मेरा डिवाइजर क्या है 47, किससे भाग दे रहा हूँ मैं 4 से, तो ये ऐसा भी तो हो सक लिख सकते ना, 47 - 11 करोगे तो क्या आएगा 36। तो ये कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है कि हम बैठ के रट रहे बैठ के कि रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल टू सम ऑफ रिमाइंडर, सिंपल सा है, माइनस आ गया तो डिवाइजर को से क्या करते हो, माइनस वाले रिमाइंडर को माइनस कर देते, यही तो पढ़ रहे हैं दो क्लास से हम। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं, उसका क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट रूल ये हमारा, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाई ABC, एक नंबर है जिसको हम AB और C से डिवाइड कर रहे हैं, x को a से डिवाइड किया, x को ही हमने b से डिवाइड किया और x को ही हमने c से डिवाइड किया, वो ये कह रहा है, इफ़ वी गेट a-k b-k c-k एज रिमाइंडर, शेष फल उसको क्या मिल रहा है, a-k, मतलब यहाँ जो बचेगा वो क्या बचेगा, a-k, यहाँ से बचने वाला b-k, यहाँ से बचेगा c-k, ये शेष फल बच रहा है। तो उसने पूछा देन डेट नंबर विल बी, तो नंबर क्या होगा, n × LCM of ABC जो नंबर है -k, जो ये k है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 5 6 7, 5 6 और 7 से
पाँच छः और सात, ए बी सी हमें दे दिए हैं पाँच छः सात, ए की वैल्यू फाइव दे दी है, बी की वैल्यू छः दे दी है और सी की वैल्यू क्या दे दी, सात। किसी संख्या को पाँच छः और सात से भाग देने पर शेष फल क्रमशः तीन चार और पाँच मिलते हैं, मतलब उसने हमें क्या दे दिया, ए माइनस के की वैल्यू दे दी है तीन, बी माइनस के की वैल्यू दे दी है फोर, सी माइनस के की वैल्यू क्या दे दी है फाइव। प्राप्त हुआ तो वह संख्या बताओ, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, एन इंटू एलसीएम ऑफ पाँच छः सात माइनस के की वैल्यू निकालना है, यहाँ फाइव रख दें तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइव माइनस थ्री टू, यहाँ फाइव रख दें, यहाँ फाइव रख दें, फाइव माइनस के इज इक्वल टू थ्री, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई टू, यहाँ भी रखोगे तो वही आने वाली है, चार रखोगे बी क्या है सिक्स है, तो सिक्स माइनस के इज इक्वल टू फोर, तो यहाँ से भी k की वैल्यू क्या आ गई टू, और c की वैल्यू क्या है सात, सात माइनस पाँच इज इक्वल टू दो, यानी k की वैल्यू हमारी क्या आ रही टू। तो n इंटू एल सी एम ऑफ, कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है तो क्या हो जाएगा, छः पंचे तीस, तीस इंटू सात दो सौ दस, एन इंटू दो सौ दस माइनस के मतलब टू। तो ये है हमारा नंबर। अब इसमें क्या है, ऑप्शन दिया होता तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम n ले लेते, क्योंकि उसने बताया नहीं n क्या है। अगर n वन ले लें, n इज इक्वल टू वन ले लें, तो n इज इक्वल टू वन लेंगे तो वन से इंटू करेंगे 210 माइनस दो, तो नंबर 208 है। n इज इक्वल टू टू ले लें तो क्या हो जाएगा, दो से इंटू करेंगे इसमें जीरो, फोर टू ज़ा सॉरी टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, 420 माइनस दो यानी 418 है। ठीक है, तो ऐसे n इज इक्वल टू थ्री कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ से ऐसे क्लियर हो जाएगी कि नंबर कैसे, अब ये ऑप्शन दिए होते तो उसके अकॉर्डिंग हम एन देख लेते। ठीक है, पर इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी नहीं, अगर हमें ये नहीं भी याद है एग्ज़ाम में तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन उसने दिया होगा 202, 203, 204, 206, 208, तो 208 है मान लेंगे कि हमने एक ऑप्शन को मान लेंगे कि ये 208 है। उसने क्या बोला कि उस नंबर को पाँच से भाग देंगे, इसको पाँच से भाग देंगे तो पाँच चौके बीस, पाँच के पाँच तीन आ रहा है, बिल्कुल सही हमने माना 208। फिर क्या करेंगे, छः से भाग देंगे, छः ती अठारह क्या बचेगा दो, अट्ठाईस, छः चौके चौबीस चार आ रहा है, बिल्कुल सही है। फिर सात से भाग देंगे, सात दूनी चौदह अड़सठ, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, पाँच रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए, अगर हमें नहीं भी याद है पेपर टाइम में फॉर्मूला तो हम ऑप्शन से उठा उठा के एक चेक कर लेंगे, पहले पाँच से चेक कर लेंगे, रिमाइंडर तीन नहीं आएगा तो उस ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे, दूसरा ऑप्शन ले लेंगे, फिर पाँच से चेक कर लेंगे, अगर आता जाएगा तो आगे कंटिन्यू पाँच छः सात तीनों से चेक कर लेंगे और ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है, केवल डेटा का चेंजेस है, तो मैं इसमें डेटा चेंज कर देता हूँ। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव एंड सिक्स, वी गेट टू थ्री फोर एज रिमाइंडर, वी गेट टू थ्री फोर एज रिमाइंडर, फाइंड द हाइएस्ट पॉसिबल थ्री डिजिट, फाइंड द हाइएस्ट पॉसिबल थ्री डिजिट नंबर। ठीक है, किसी संख्या को चार पाँच और छः से भाग देने पर शेषफल क्रमशः दो तीन और चार प्राप्त होता है। तो उसने पूछा हमसे कि वह तो हाइएस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन डिजिट का हाइएस्ट नंबर हमें बताना है, तीन डिजिट का हाइएस्ट नंबर हमें बताना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, सेम क्वेश्चन है, बस n की वैल्यू हमें लेना पड़ेगी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या है फोर है, b की वैल्यू क्या है फाइव है, c की वैल्यू क्या है सिक्स है, k की वैल्यू हम निकाल लें, a माइनस k हमें क्या दिया हुआ है टू दिया है, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी a माइनस टू, यानी कि 4 माइनस टू, तो k की वैल्यू क्या आने वाली 2, यहाँ से भी k 2 आएगा, b माइनस k क्या दिया 3, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b माइनस 3, यानी 5 माइनस 3 k की वैल्यू क्या आ गई 2, तो क्या हो जाएगा n इंटू एल सी एम ऑफ 4 5 6 माइनस k, 4 5 6 का एल सी एम लोगे तो क्या आ जाएगा 6 पंचे 30 दुनी 60, तो n इंटू, देखो एल सी एम कैसे निकालते हैं, 4 5 6 टू से डिवाइड करेंगे, टू टू ज़ा फोर, फाइव टू थ्री ज़ा
ठीक है, फिर टू से करेंगे 153, फिर फाइव से करेंगे, लास्ट में किससे कर दिया हमने 3 से। तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, एलसीएम तो 5 थी 15 दुनी 30 दुनी 60, तो एन इंटू 60 माइनस 2। ठीक है, अब n की वैल्यू हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से देखना पड़ेगा। इसमें जब हम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्शन दिया रहेगा तो तीन डिजिट का ही नंबर दिया रहेगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा पहले उसको चेक कर लेंगे, फिर जो उससे छोटा होगा उसको चेक कर लेंगे, फिर उससे छोटा होगा उसको चेक कर लेंगे। चलिए देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 से इंटू करेंगे 600, तो अभी तो इससे बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अगर हम 20 से इंटू करें तो 20 देखो यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, 20 इंटू अगर हम 60 करेंगे तो 1200, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको हमें लाना है 1000 के आसपास, ठीक है। सिक्सटीन से इंटू करते हैं क्या हो जाएगा, 0 36 3 960। अगर 17 से इंटू करें, 0 6 7 42 2 4 6 कम 6 4, देखो ज़्यादा हो रहा है। यानी हमें किससे इंटू करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 16 ले लेंगे, तो 16 लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 960 माइनस 2 यानी 958 इज द आंसर। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल हमारा, नेक्स्ट रूल ये हमारा, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय ए बी सी। एक नंबर है जिसको हमने किससे डिवाइड किया, ए बी सी से, और हमें के क्या मिल रहा है, रिमाइंडर। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि कोई एक नंबर है एक्स, उसको हमने डिवाइड किया ए से तो रिमाइंडर हमें के मिल रहा है, बी को भी डिवाइड किया, बी से डिवाइड किया एक्स को तो भी के रिमाइंडर मिल रहा है, सी को भी डिवाइड किया एक्स, सी से भी डिवाइड किया एक्स को तो भी रिमाइंडर के मिल रहा है। इसके पहले वाले रूल में क्या था, हमें रिमाइंडर अलग, मतलब रिमाइंडर अलग अलग मिल रहे थे, ए माइनस के, बी माइनस के, सी माइनस के, इसमें रिमाइंडर क्या है, सेम मिल रहा है के। तो उसने पूछा देन डेट नंबर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एल सी एम ऑफ ए बी सी प्लस के। वैसे तो मैं यही कहूंगा आप लोगों को, इस टाइप के जो भी अपन ने इसके पहले वाला मेथड पढ़ा, अभी पढ़ेंगे इसके बाद एक रूल और पढ़ेंगे, इन सभी के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करें ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि इसमें आप फॉर्मूला याद रखेंगे उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे उससे जल्दी, तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर 6 एंड 7, 6 और 7 से नंबर डिवाइड करने पे के हम 4, के की वैल्यू क्या दी है उसने, 4 रिमाइंडर मिल रहा है। फाइंड द हाईएस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नंबर, किसी संख्या को 4, 5, किसी संख्या को 6 और 7 से भाग देने पे क्या मिल रहा है हमें, शेष फल 4 प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है, तो हाईएस्ट पॉसिबल मैक्सिमम 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो के की वैल्यू 4 है, क्या हो जाएगा, एन इंटू एल सी एम ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी दो नंबर, यहाँ सी है तो सी यहाँ दो ही नंबर दिए, तो 6 और 7 लिख लेंगे प्लस 4, 6 7 42, एन इंटू 42 प्लस 4, 42 में हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 3 डिजिट का है, तो मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, हम 42 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 दुनी 6, फिर मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, 2 दुनी 4, 4 तीय 12, 12, और फिर दोनों को जोड़ते हैं, तो 4 तीय 12 और 4 16, 1 कैरी, फिर लास्ट में फिर सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दुनी 8 और 1 9, तो ये क्या मिल गया हमें, 966 प्लस 4, तो ये 970 ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक और रूल देखते हैं, फिर आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। एक नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल है हमारा, इफ ए नंबर आफ्टर एडिंग के, यदि किसी नंबर में हम के ऐड कर दें, कोई नंबर है एक्स, उसमें हमने के ऐड कर दिया, जैसे के ऐड किया तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया किससे, ए बी एंड सी से। जब उस नंबर में हमने के ऐड किया तो ए बी सी से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर क्या होगा, एन इंटू एल सी एम ऑफ ए बी सी माइनस के। तो यही क्वेश्चन उसने पूछा, फाइंड अ नंबर विच आफ्टर एडिंग 7, उस नंबर में 7 ऐड करने पे वो 10 11 और 12 से डिविजिबल हो रहा है, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन इंटू एल सी एम ऑफ 10 11 12 माइनस के, के क्या हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। एलसीएम 10 11 12 का हम एलसीएम ले लेंगे और लिख देंगे, ठीक है। तो एन की वैल्यू अगर हम 1 मान के करें, तो इनका देखो कुछ कॉमन फैक्टर है, 2 है कॉमन फैक्टर, 10 11 और 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, यहाँ से 11, यहाँ से 6, फिर ये 5 से, तो क्या बचेगा यहाँ से 1 11 6, फिर ये 11 से और लास्ट में 6 से, तो 11 5 दूनी 10, 10 इंटू 6
साठ इंटू ग्यारह, साठ इंटू ग्यारह मतलब 660, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 660, एन इंटू 660 माइनस 7। उसने कोई कंडीशन नहीं बोली, जब कोई कंडीशन नहीं बोलेगा तो एन की वैल्यू को हम केवल क्या ले लेंगे 1, यानी 660 माइनस 7 यानी 653। तो ये इसका आंसर क्या हो गया 653। तो दोस्तों ये था हमारा नंबर सिस्टम का रिमाइंडर थ्योरम जिसको हमने दो पार्ट में पढ़ा है। तो यहाँ पे दोस्तों आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं, कल की क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप आगे आने वाले वीडियो से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।